इसके अंदर सिर्फ आदमी आप अपने वेयर हाउस देख लो, नोट कर लो, यहाँ अप्लाई कर दो। इसके मालूम करने का सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सर, अगर किसी को अपना मालूम हो जाए वेयर हाउस घर के पट्टे के तो बहुत अच्छा है। जैसे वो लंदन में बुश हाउस में यही है। आपका फैसिलिटीज तो बहुत अच्छी है जी। ये तो मैं देख करके हमेशा उसको डाल था लखनऊ के आर्काइव के बारे में सोच रहा था, बहुत बुरा हाल है। ये हमारा भी सर माइक्रोफोन रीडर कंटेंट है, इससे हम माइक्रोफोन डायरेक्टली कंटेंट वो माइक्रोफोन को रीड करना चाहे तो उसकी वजह से कंप्यूटर से इसको टच कर बेस्ट। ये माइक्रोफिस के जी तो मैंने कहा 1837 के अंदर जो 50 साल पहले मुझे पूरा हुआ थी, हमने सारी कम्पनी 200 से ज़्यादा स्टेट्स अपने पास मेरोडा की पॉलिटिकल रिपोर्ट्स अपने पास है, सेंसस सारा अपने पास है, करीब 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर अपने पास। वेरी गुड। चार्ल्स ग्रेसन का भी अपने पास। और सर विज़िट किया आपने आज कर रहे हैं, अभी तक की विज़िट में क्या कुछ लगा आपको, क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा? नहीं, ये तो बहुत राजस्थान की भारत के इतिहास में थोड़ी अहमियत है और ये जो आर्काइव्स है बीकानेर में ये उस इतिहास को बहुत अच्छी तरह से एक तरीक़े से उस पर रोशनी डालती है। और जो यहाँ जो चीज़ें जमा की गई हैं और जो माइक्रोफिल्मिंग का जो प्रोजेक्ट है और इसी से मुताल्लिक़ और बहुत से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत अहम भी हैं और उससे बहुत लोग फ़ायदा उठाते हैं। और जैसा कि मुझे बताया गया है कि 200 से ज़्यादा स्कॉलर्स हैं और बाहर के भी स्कॉलर्स उसमें शामिल हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ जो रिकॉर्ड्स हैं उसका प्रयोग करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। और जैसे आपने ख़ुद भी देखा होगा कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से जमी हुई हैं और उम्मीद यही करता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आर्काइव्स की जो अहमियत है उसको समझेगी और जो ग्रांट्स की और स्टाफ की जो कमी है, जो कि मैंने हर जगह देखी है और भी स्टेट्स में देखी है, उस कमी को पूरा करने की कोशिश करेगी। इसलिए कि आर्काइव जो है वो हमारे इतिहास का एक बहुत अहम अंग है और उसको अगर हम नज़रअंदाज कर देंगे तो हम अपने इतिहास को, अपने पास्ट को भूल जाएंगे और ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए। आपकी जो विज़िट है उसका क्या ऑब्जेक्ट है सर? मेरी विज़िट का ऑब्जेक्ट यही है कि मैं इतिहासकार हूँ और मेरा काम है कि जगह जगह जाऊँ, देखूँ क्या आर्काइव्स का क्या स्टेटस। जैसे बजट और फंड की जो बात थी या स्टाफ की जो कमी थी, उसको आपके सहयोग किस हद तक दूर किया जा सकता है? नहीं, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक उनका प्रोजेक्ट था लेकिन उस प्रोजेक्ट को उन्होंने और बढ़ाया है और उसमें बहुत पैसा, अच्छा खासा पैसा है, जिसका मकसद यह है कि स्टेट आर्काइव्स और जो छोटी छोटी लाइब्रेरी हैं उनको कॉन्जर्वेशन में जो आवश्यकता पड़े या ज़रूरत पड़े उसमें उनके सपोर्ट करें। तो इसी तरह की सपोर्ट जो है वो हम यहाँ आर्काइव्स को कर रहे हैं और जोधपुर को भी काफ़ी बड़ी रकम जो है वो हम दे चुके हैं, सैंक्शन कर चुके हैं और उसके लिए कुछ थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ है जो पूरी करनी है, लेकिन यहाँ भी अच्छी खासी बड़ी रकम हमने कंजर्वेशन के लिए और प्रिजर्वेशन के लिए ये आपके जो हेड ऑफिस है उसमें दिया है। विकास के क्रम में बीकानेर आर्काइव विभाग को आने वाले वर्षों में और क्या कुछ सौगात मिलने वाली है? सौगात तो पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल से स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जिस तरह से मदद कर रही है वो मुझे बताया गया है और उस मदद को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, इसलिए कि हम जिस अहद में जिस दौर में हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिजिटाइज करने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं या राजस्थान से मुताल्लिक़ जो लोग काम कर रहे हैं उनको उसकी एक्सेसिबिलिटी देने की ज़रूरत है और उसके लिए मॉडर्न टेक्निक्स की, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और मेरा ख़्याल से जो काम यहाँ हो रहा है तो आगे चल करके और भी सफल होगा।